पता है अल्लाह सब जानता है। अल्लाह जानता है कि किस तरह आप सारा दिन बमुश्किल मुस्कुराते हुए गुजार कर रात की तन्हाई में जब्त खो बैठते हैं। अल्लाह जानता है कि नमाज के दौरान अल्लाह की मौजूदगी का एहसास कैसे आपका सब्र छीन लेता है और आप बच्चों की तरह रोते हैं। उसने देखा है जब जब आपने बर्दाश्त से बाहर कैफियत को भी अल्लाह की रजा के खातिर झेला था। उसने देखा है जब जब आपने बहुत कुछ कीमती कुर्बान किया है। जिस तरह आप अपना बनाया हुआ आर्ट पहचानते हैं ना, उसी तरह खुदा भी अपना बनाया हुआ आर्ट समझता है और पहचानता है। उसने सब्र के एक एक लम्हे का बड़ा अजर रखा है। वो ज़ाया नहीं जाने देगा आपकी कोशिशें। इसलिए यकीन की रस्सी मजबूती से थामे चलते रहो, क्योंकि अल्लाह आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। क्योंकि ये भी तो मुमकिन है कि अल्लाह ने तुम्हारी चाहत को अपने पास अमानत रखा हो। इन सब्र के मुश्किल दिनों के बाद तुम्हें नवाजेगा वो। यकीन रखो, इस आजमाइश के बाद तुम्हारी चाह को तुम तक लाया जाएगा। तुम्हारा यूं उम्मीद लगाए रखना ही उसको पसंद है, और कुन फाया कुन से तुम्हारा नसीब चमकाया जाएगा। और ये जो लोग हैं ना, जो तुम्हें मायूस कर रहे हैं और कहते हैं कि हम फैसला करेंगे, तो इनसे कह दें आप कि फैसले सिर्फ ऊपर होते हैं, मुकद्दर सिर्फ ऊपर बदले जाते हैं, दिल सिर्फ ऊपर बदले जाते हैं, और जरूरत पड़ी तो वो दिल फेरने पर भी कादिर है। क्योंकि वो कहानियों के रुख कब कहां से मोड़ देता है ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये सब किताबी बातें नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा है दुआओं से किस्मत का लिखा बदलते, मैंने देखा है दुआओं से हर गम को टलते, मैंने देखा है दुआओं से हालात संवरते।